नरक के अंदर, हम तो सिर्फ नरक के अंदर से फेस कर रहे हैं। चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ आया था ना, अब आप शहर के बीचों में बैठे हुए और नरक के अंदर बैठे हुए। चंडीगढ़ है ना, आइए चंडीगढ़ है। हां जी चंडीगढ़ के, लगता है चंडीगढ़ हम टीवी पर देखते हैं ना, नरक की जिंदगी बता रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर देख लो आप। एक बात बताइए, आपके इलाके में चंडीगढ़ में है ना मूवी? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। चंडीगढ़ इलाका ही सर, डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड। चंडीगढ़ के बारे में तो मैंने बड़ा सुना था, बड़ा सुंदर शहर है। देख लो जी, आप शहर नहीं, शहर तो बहुत सुंदर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये जो डंपिंग ग्राउंड है ना हमारा, शहर के बीच में बीचों बीच है, इससे रिगार्डिंग जितने शहर के आसपास चंडीगढ़ के डड्डू माजरा, 38 वेस्ट, धनास, 25 डड्डू माजरा पिंड सर, हम बड़े जब परेशान हैं जिससे। वैसे हम घर से बाहर निकलते, देखो सर आप देखिए, जरा आप खुद देखिए, फेस करके देखिए, डंपिंग ग्राउंड के बाहर निकलते हम इतना। इसका जिम्मेदार कौन है सर? सरकार है जी, गवर्नमेंट है। कांग्रेस की, बीजेपी की? बीजेपी सर, बात बीजेपी कांग्रेस की कोई है नहीं। जो भी सत्ता में आएगा, जो पहले रह चुका है, जो अब आएगा सर, उसका हल निकाल दे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में तो दो ही या तीन पार्टियां चलती हैं इधर, तो कांग्रेस, पहले अकाली बीजेपी गठबंधन आता था, अब अकाली बीजेपी अलग हो गई तो तीन पार्टियां हो गई। तो जीतेगा कौन इस बार सर? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन में कहाँ थी सर? अब आएगी ना, अब आएगी ना सर। दिल्ली में जिसने काम किया है, इतना काम किया है, इतना बेस्ट काम किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कितने ऑप्शन दिए थे? ए आम आदमी पार्टी, ऑप्शन दिया ही नहीं आपको, मैंने आपको बी सी। आपने नहीं दिया, हम उसको लेके आएंगे ना। आपने नहीं दिया, जिसने दिल्ली में काम कराया वो पूरे शहर, पूरे देश के अंदर काम कराएगा, और इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। हमें चेंज चाहिए, हमने कांग्रेस को भी चेक कर लिया, बीजेपी को भी चेक कर लिया, ठीक है, अकाली को भी चेक कर लिया, हमने आम आदमी को नहीं चेक किया था। ये आपको क्या फेस कर रहे हैं, आप खुश है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नाखुश है हम, क्योंकि यहाँ पे होता क्या, हमारे यहाँ पे लोग जब भी इलेक्शन पार्टी आती है, यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टी आती है, हमारा कोई मुद्दा ही देते हैं। किरण खेर जी को ले लीजिए, जब भी आते हैं अब हम खत्ता हटा देंगे, फैक्ट्री लगा दिया है, बिल्कुल साफ कर देंगे। पहले ये पीछे होता था, ग्राउंड बनाया था, अब उसको भी भर के बिल्कुल हमारे घर के पास ला दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जी, नाराज़ हो जाएंगे आपसे सर, नाराज। उनको फिल्में जाना चाहिए ना, फिल्में बना रही है वहाँ पे, वो क्यों नाराज होंगे? टाइम ही नहीं यहाँ पे देखने के लिए लोगों को। एक दिन भी रह लेना, एक दिन क्या घंटे रह ले यहाँ पे, एक घंटा क्या 10 मिनट रह ले तो सर मान जाएंगे, इसको ही मानेंगे। उनको थोड़ी सी बीमारी हो जाए, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है, आप चेकअप करा के देखेंगे, अगर यहाँ पे 90+ लोगों को 90+। आप बताइए, यहाँ सारे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पता नहीं क्या कर देगी आम आदमी पार्टी, मगर बीजेपी और कांग्रेस या अकाली क्यों नहीं? सर देखो मैम, किसी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, बट हम ये चाहते हैं अब हम कोई भी कैंडिडेट, अगर किसी पार्टी से खड़ा तो हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, कोई भी, वो हमें पता कौन सा कैंडिडेट काम करता कौन सा नहीं करता। वो कि बाहर के कैंडिडेट क्या करते हैं, उनको कुर्सी की पावर चाहिए होते हैं, यहाँ पे वो लालच का देते हैं, आपका खत्ता हटाएंगे, बट उन्होंने क्या कुर्सी की पावर मिली, अपना पैसा बटोरने चक्कर में लगे होते हैं लोगों को। सर आप मेरी बात सुनिए, हम बाहर के कैंडिडेट को जिताएंगे, हमको बुलाने के लिए जाएंगे, वो कुर्सी मिलती नहीं है, हमारा लोकल कैंडिडेट होगा ना, उसको जब मर्जी पकड़ सकते हैं। सच्ची बात समझ लो आप, बाहर से बंदों को हमें लाना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, हमारे फोन पिक नहीं करेंगे, हमारे घर के पास, हमारे एक परिवार के बीच में एक बंदा होता है ना, उसको हम जमुजी पकड़ सकते हैं, बाहर के बंदों को नहीं पकड़ पाएंगे हम। हाँ जी जीत जाते हैं, फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, जब वोट ले लेते हैं फिर बाद में कोई नहीं पूछता को कैसे किस हाल में कैसे। चंडीगढ़ है ना? हाँ ये चंडीगढ़ है। हाँ जी चंडीगढ़ का लगता नहीं, चंडीगढ़ हम टीवी पर देखते हैं ना, तो नरक की जिंदगी बता रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, देख लो आप। चंडीगढ़ DMC डड्डू माजरा, लगता है यहाँ पे कोई बदलाव आने की उम्मीद है? देखो अभी दिन रात तो चल रहे, मशीने मशीने लगी, पर पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा पूरा काम। हाँ जी क्या 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 हो गया? हाँ जी आ रही है बनी हुई, अब दीवार आ रही, पहले चदरे थी वो हट गई, अब दीवार आ रही है बन के, अब देखो जरा, अब यहाँ दिन रात मशीने चलती है। हम चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ को एक बहुत खूबसूरत सिटी माना जाता है, मगर क्या ये खूबसूरती है, क्या ये परफ्यूम की फैक्ट्री है, क्या है ये? आप लोग देखिए, सोचिए कि चंडीगढ़ जिसे हमें बहुत खूबसूरत करके दिखाया जाता है, मगर अंदर से वो कितनी खोखली है, उसके एंट्री पॉइंट कितना खोखला है।